अक्सर हमें ये शिकायत रहती है कि हमारी मलाई खराब हो जाती है, तो मैं आपको बता रही हूँ फ्रीजर में आप मलाई रखेंगे तो 15 दिन रखें, 2 महीने रखें, आपकी मलाई नहीं खराब होगी, जैसी है वैसी रहेगी। बस उसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखनी है। और आप आटा गूंथ के भी वो भी एक डब्बे में डाल के और फ्रीजर में रख देंगे, जिस समय बनाना हो उससे 5-10 मिनट पहले निकाल के आप आटा गूंथेंगे, आपका आटा वैसा का वैसा ही रहेगा। लाइक करें, धन्यवाद। हेलो गाइस, आज मैं आपको बढ़िया टिप्स बताने जा रही हूँ। जैसे कैंची और चाकू की धार कम हो जाती है, तो हमें पहले ही मैंने बताई हमें इस तरह से करना चाहिए, ये हमारी धार बहुत तेज हो जाएगी, तो हमारी तेज धार हो जाएगी। और चाकू की भी कर सकते हैं, पत्थर के साथ भी कर सकते हैं, पहले मैंने पेपर फोर पे करके दिखाई थी, इस तरह से हमारी ये धार बहुत तेज हो जाती है। थोड़ा ध्यान से हाथ नमस्ते, आज मैं आपको एक बढ़िया टिप्स दिखाने जा रही हूँ गेहूं के आटे की। जैसा कि आपकी रोटियां बच जाती होगी तो वेस्ट हो जाती है, तो मैं आपको एक बढ़िया परफेक्ट आपको उसकी नाप बताऊंगी। हम क्या करेंगे, ये मैंने 7 रोटियों का एक मैं आटा लिया है। अब मैंने इसको एक कटोरी की नाप से लिया है, मेरी ये कटोरी इसकी नाप से लेनी है। अब मैं कभी भी निकालूंगी तो मुझे यही मालूम है कि ये 7 कटोरी से निकली। इसका हम चम्मच से या हाथ से इस तरह से पोषण बनाएंगे, इससे हमारी रोटी भी नहीं बचेगी और हमारा आटा भी सही रहेगा। इस तरह से बच जाता है, हम उसको निकाल के रखेंगे। और हमें रोटी अगर चाहिए तो हम इसको रोटी की तरह बनाएंगे। कैसा रहा मेरा टिप्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।